आजकल ड्रामा वर्ल्ड में वेबटून्स पे बने ड्रामास काफ़ी पॉपुलर हैं। आज हम ऐसे ही एक ड्रामा की बात करेंगे जिसका नाम है इटावन क्लासेस, जो कि 2020 में रिलीज़ किया गया है। ये एक बिजनेस रोमांस थीम ड्रामा है जिसमें पाक सेजुन, किम दामी और क्वन नारा मेन लीड्स में हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 16 हैं। ये बेसिकली बदले पे पूरा ड्रामा बेस्ड है। रिव्यू शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। तो बात करते हैं इस ड्रामा के कहानी की। तो ये कहानी है पार्क से रोई की, जो एक बार रेस्टोरेंट खोलता है जिसका नाम वो दन बाम रखता है, जो कि इटावन में खोलता है। जब वो हाई स्कूल में था तो उसे सीईओ चैंग के बेटे ग्वन वून की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था, और ग्वन वून की रेकलेस ड्राइविंग की वजह से ही उसके फादर की डेथ हो जाती है। गुस्से में आकर वो ग्वन वून पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो वो एक रेस्टोरेंट खोलता है दन बाम नाम से, जो कि इटावन में होता है। उसे एक्सपेंड करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो सीईओ जैंग की फूड कंपनी, जिसका नाम जैंगा ग्रुप है, उसे हरा सके और अपना बदला ले सके। इन सब में साथ देती है उसके बार की मैनेजर, जिसका नाम है जो यीसू। यीसू काफ़ी सोशल लड़की है, जो कि मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ ही काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और उसका आईक्यू भी काफ़ी हाई है। वो न्यूयॉर्क से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए साउथ कोरिया आती है और वहाँ पे वो मिल जाती है से रुई से, और उसे वो पसंद करने लगती है क्योंकि यीसू सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर होती है क्योंकि वो पावर ब्लॉगर है। इसी वजह से वो उसके बार में एज अ मैनेजर काम करने लग जाती है और से रुई की मदद करती है बार को एक्सपेंड करने में। ओसुहा जेंगा ग्रुप के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम की हेड होती है और उसके साथ साथ ही सेरोई की काफ़ी पुरानी क्लासमेट और फर्स्ट लव भी है। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाती है और वो सेरोई के फादर के काफ़ी क्लोज होती है, जिसके वजह से वो और सेरोई फ्रेंड्स होते हैं और बाद में सेरोई को उससे प्यार हो जाता है। जब सेरोई के फादर की डेथ कार एक्सीडेंट में होती है तो उसके बाद जेंगा ग्रुप से उसे स्कॉलरशिप मिलती है और वो स्कॉलरशिप लेके पढ़ने लगती है। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है तो वो जेंगा ग्रुप में एम्प्लॉय बन जाती है और वहीं काम करने लगती है। बाद में जब उसे अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ होती हैं से रोई के लिए, तो वो अपने काम और प्यार के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है और यहीं से कहानी में लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है, जो कि से रोई के बदले के बीच में आने लगता है। अब बात करते हैं इस ड्रामा के बिजनेस एलिमेंट के बारे में। तो ये ड्रामा मेनली बदले पे फोकस्ड है और उसी बदले को सक्सेसफुली लेने के लिए से रोई अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करता है और इसमें उसका साथ देती है उसकी बार की मैनेजर और उस बार की स्टाफ्स। इस ड्रामा के ज़्यादातर एपिसोड्स में यही दिखाया गया है कि वो कैसे अपने बार को एक्सपेंड करता है ताकि वो बदला ले सके जंगा ग्रुप के ओनर से और उसके बेटे से। अब बात करते हैं इस ड्रामा के रोमांस एलिमेंट के बारे में। तो इस ड्रामा में आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटेंस होगा क्योंकि से रोई स्टार्टिंग में लाइक करता है सुआ को और सुआ उसे स्टार्टिंग में नहीं लाइक करती है, स्टार्टिंग में उसे यीसू लाइक करती है और इस चक्कर में ये लव ट्रायंगल बन जाता है, जो कि लास्ट एपिसोड में जाके ही रिवील होता है कि एक्चुअली में सेरोई किसे लाइक करता है। और ये ड्रामा में सस्पेंस बना के रखा जाता है। ये ड्रामा आपको सेकेंड फीमेल लीड सिंड्रोम दे सकता है। तो इस ड्रामा को अगर आप देखना चाहते हैं सेकेंड फीमेल लीड की वजह से तो ज़रूर देखिए। बात करते हैं इस ड्रामा के ओवरऑल रिव्यू के बारे में। तो ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये वेबटून पे बेस्ड है, जो कि वेबटून काफ़ी पॉपुलर था, तो ये ड्रामा भी काफ़ी काफ़ी हिट हुआ। अब बात करते हैं इस ड्रामा को मैं कितनी रेटिंग दूंगी। तो मैं इस ड्रामा को 9 out of 10 दूंगी। अगर आप रोमांटिक कॉमेडीज से कुछ ज़्यादा ही बोर हो गए हैं तो ये ड्रामा आपके लिए
अच्छी चॉइस होगी। फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस या रिकमेंडेशंस हो तो उसे कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।